देख रहे हो पास से कैसा हो रहा है, कितना ज्यादा गंदा हो रहा है हमारा घर। रख तो रखी है यहीं पर, और घर की हालत अगर तुम देख लोगे ना तुम बोलोगे अरे भाई आर्ष भाई ये क्या हो गया। कैसे हो? एवरीबॉडी कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और जाहिर सी बात है यार मजे भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सब लोगों सहारनपुर की लड़की हमारी नई और ब्रांड न्यू वीडियो में। या मैंने डेली व्लॉग्स का वादा किया था तो मैं निभा रहा हूँ भाई उस वादे को, ठीक है। भाई मुझे बहुत ज़्यादा सर ठंड लग रही है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिलहाल जो बच्चा है वो बिल्कुल सही है, बढ़िया। देखो इस वाले पिंजरे में रख दिया हमने इसे, कहाँ है ये बैठा हुआ है, अब तो खा पी भी रहा है, मतलब खाना पीना जो भी है इसका बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। वो मतलब तंदुरुस्त हो गया भाई, अभी भी ऐसा हुआ होगा, मुझे आधा घंटा हुआ है, मैं आया हुआ अभी डॉक्टर के यहाँ से, तो इसको लेकर गया था और इसको ले जाने के लिए मेरे मम्मी पीछे पकड़ के बैठती है, वो पिंक वाली बास्केट शायद बाहर रखी है उसके अंदर ले जाते हैं इसको और फिर आते हैं, ठीक है। भाई मैं पजामे में ही था और ये पहन रखी है मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे जीन्स में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और जब से मेरी तबीयत ख़राब है तब से तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा जो है नीचे उसकी बैटरी लो है और मैं रात बैटरी चार्ज करना भूल गया था कल के ब्लॉग के बाद, और मैंने कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे MX टकाटक के लिए तो उसके बाद। बट बेसिकली यार मेरा फ़ोन भी 35 का है यार, 35 का लिया था मैंने जब इसको लिया था, तो इसकी भी वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एकदम ओपी 4K में रिकॉर्ड करता है भाई ये भी, ठीक है। एक बार बताना आप कमेंट करके, अभी जो है वक्त है 7 बज रहे हैं और आई नो कि व्लॉग स्टार्ट करने का कोई ज़्यादा वो अच्छा समय नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं अभी तो मैं स्ट्रीम करने जा रहा हूँ नीचे, जो वीडियोस वगैरह काम था वो तो मैं जब उठता हूँ मैं तभी कर लेता हूँ, ठीक है ना। अभी मम्मी जो है चाय बनवा रही है, मैंने चाय बनवाई है अपने लिए क्योंकि मेरा पीने का मन कर रहा था, मैंने सुबह से जो है पी भी थी, मैंने बस ऐसे ही खाना वगैरह खा लिया था, ठीक है ना, और फिर दवाई वगैरह मैंने खाई थी और फिर उसके बाद अब मैं जो है नीचे से ऊपर आया हूँ, ठीक है। अभी जब मैं बाहर से आया था फिर मैं नीचे चला गया था फिर आया हूँ, और भाई आज घर की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है, इतनी ज़्यादा गंदी हो रखी है मैं आपको बता भी नहीं सकता। और आने के बाद मेरी चाय जो है रख तो रखी है यहीं पर, और घर की हालत अगर तुम देख लोगे ना तुम बोलोगे अरे भाई आर्ष भाई ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, समझ रहे हो तुम, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा रेड 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 रेड, और फर्श की बात करूँ तो ये भी रेड 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 नहीं कर रहा मैं रेड रेड बोल रहा हूँ क्योंकि रेडिश रेडिश सी चीज़ है जो कि ईंटों के अंदर से निकलती है। अब यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थी, किचन में बहुत ज़्यादा आ गई थी, चल यहाँ से तो झाड़ू लगवा दी, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मेरा रूम यहाँ है नीचे वाला जो रूम है, अब मैं इसको खोलूँ तो हाँ एक जाहिर सी बात है कि मेरे कमरे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप। ओ भाई यहाँ मेरे कमरे के अंदर यहाँ तक है, चलो तो साफ़ करवा दूंगा, बट रूम बिल्कुल क्लियर है, समझ रहे हो भाई। यार कमरे के अंदर तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है, बट यार ऊपर को लेकर और नीचे को लेकर भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे ऊपर वाले रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती होगी, नीचे वाले रूम में ठंड रहती होगी ऊपर वाले, बट गाइस ये बिल्कुल उल्टा है, गर्मियों के अंदर नीचे वाला रूम ठंडा रहता है और सर्दियों के अंदर नीचे वाला रूम गर्म रहता है, ये पता नहीं क्या फैक्ट है, आई डोंट नो, क्या पता मेरा PC चलता है तो उसकी हीट जो जनरेट होती है तो एक रूम हीटर का काम करती है इस रूम के अंदर, समझ रहे हो आप, एक रूम हीटर का काम करती है। मैं अपने चप्पल भी जो भाई निकाल देता हूँ, और गाड़ी भी मैंने साफ करी थी, बुलेट को भी साफ किया था। तो गाइस मैंने जो है प्लेस्टेशन के लिए जो कि LED TV आपको बताया था, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ जो हमारे घर में पहले सोनी ब्राविया मुझे एग्जैक्टली मॉडल नंबर तो देखो गाइस याद नहीं है, वो 15 इंच की LED है, तो मैंने डिसाइड किया है
कि जो मैंने बोला था कि मैं 65 इंचेस की एक मतलब जो है एलईडी टीवी लेने वाला हूँ, जो कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आता है, 4K के साथ, ठीक है ना। तो जो 65 इंच है वो मैं सोच रहा हूँ कि वो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर वाला रूम है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और रूम बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो वो मतलब मैं सोच रहा हूँ जो मेरे मॉम डैड वाला कमरा है, मतलब ऊपर वाला जो कमरा है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर उसको लगवा दूँ, ठीक है ना। जो 65 इंच होने वाला है मैं उसको वहाँ पर लगवा देता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पर जो सोनी वाली लगी उसको मैं सबसे ऊपर लगवा दूंगा, और जो मेरे नीचे वाला रूम है इसके लिए मैं कोई 65 इंचेस ही दूसरी लूंगा। वो तो जब आने वाले टाइम में, वो तो बहुत टाइम की बात है जब मैं नीचे के लिए लेने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं खुद रहने के लिए जो सब कुछ मेरा है मैं सबसे ऊपर ही जाने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं उसको जो 50 इंचेस है उस रूम के लिए इनफ है और मैं वहां पर रहूंगा। और मेरे ख्याल से तो इतनी यार उस रूम के लिए ना देखो गाइस बहुत है, ठीक है ना, वरना 65 है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जो बीच वाला रूम है ना उससे बड़ा है तो 65 इंच वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो आप बताना कि आपका आइडिया क्या है, क्या मुझे बिल्कुल सही लगा या नहीं। और मैं जो एयर कंडीशन वगैरह लेने की सोच रहा हूँ फिलहाल, अभी सर्दियों में एक बहुत ही भारी डिस्काउंट चल रहा है एसीज वगैरह के ऊपर, तो अभी नेक्स्ट आज जो है बिजली की फिटिंग का जो है काम पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पहले मैं स्ट्रीम करूंगा, उसके बाद मैं आपको ये जो है ऊपर लेकर जाऊंगा और दिखा दूंगा मैं आपको कुछ शॉर्ट्स वगैरह, कैसा है, ठीक है ना। और उसके बाद गाइज सबसे पहले जो लिपाई वगैरह होती है जो सीमेंट की वो होती है ना वो होगी, फिर पुट्टी वगैरह होने वाली है वाइट, उसके बाद मैं ऑर्डर करने वाला हूँ एसी और जो एलईडी में ऑर्डर करने वाला था, ठीक है ना। अभी मैं अपनी वीडियोस को जो है एडिट कर रहा था, इनको रेंडर होने के बाद यार मैं जो स्ट्रीम को जो स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले नहीं करता क्योंकि इससे पहले यार करने में कोई मज़ा नहीं आता, वरना बाद में रहता है कि यार हाँ स्ट्रीम के बाद वीडियो बनानी है, स्ट्रीम के बाद वीडियो बनानी है। इससे पहले मैं जो सबसे पहले इनको जो अपलोड वगैरह कर देता हूँ, और आजकल मेरी अपलोडिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, 100 Mbps से अबव ही आ रही है। और पहले ऐसा होता था कि जो इंटरनेट है ना यार बहुत ज़्यादा स्लो चलता था, पता नहीं यार क्यों ऐसा क्यों था, बहुत ज़्यादा स्लो चलता था इंटरनेट, तो बस यार क्या ही बताऊँ मैं आपसे लोगों को। या अपलोड हो चुकी है गाइस, डन, काम जो कंप्लीट हो गया। फिलहाल डिस्कॉर्ड पे जितने मेरे सारे प्लेयर्स हैं उन प्लेयर्स के अंदर 2 लड़कियां हैं और सारे लड़के हैं जो कि आते हैं गेम वगैरह खेलने, जो मेरी टीम है जो मेरे साथ खेलती है। करीब 30 लोगों का ग्रुप है जो कि एक सेशन के अंदर, एक GT5 के एक सेशन के अंदर 30 लोग तक आ सकते हैं, तो या हमें और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है ना। और फिलहाल अभी जो है लाइव स्ट्रीम का वक्त हो रहा है, मैं आरिश खान लोको एप्लीकेशन और अपने फेसबुक पेज पर जो है लाइव करता हूँ। यार घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ पर अपना पानी वगैरह लाने, क्योंकि बाद में तो मैं नीचे आने नहीं वाला, समझ रहा हूँ, बाद में मैं नीचे आने नहीं वाला। मैं ये जूते ना मैं ना कल पहन रहा था और आज ये बिल्कुल रेड रेड हो गए हैं, बिल्कुल ही ज़्यादा रेड कलर के हो गए हैं। तो चलिए वो सब करते हैं, फिर मैं लास्ट शॉट में आप सभी लोगों को सबसे ऊपर ले जाकर देखा। देख रहे हो पास से कैसा हो रहा है, कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है हमारा घर, पर खैर कोई बात नहीं यार, ये तो साफ तो हो ही जाएगा। मेरी बाइक्स वगैरह जो है ना वैसे यहाँ पर खड़ी होती हैं इस जगह पर, ठीक है, और जो पापा वाली बाइक है वो बाहर लगती है, बट यहाँ पर सोफ़ा डलने के बाद जो है बाइक्स वगैरह खड़ी करने की मैं दूसरी जगह बनवाने वाला हूँ, मैं आपको अगले व्लॉग में जो दिखाऊंगा। बट देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा गंदा है, कितनी ज़्यादा गंदगी है। हाँ किचन में इतना मतलब ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो रखा है। तो चलो चलते हैं यार। यो गाइस, ये वाली जो क्लिप है ये ऐड हो रही है उन सभी क्लिप्स के अंदर, दो दिनों के बाद, ठीक है ना। और दो दिनों के बाद मैं ऐड करने का इसलिए मेन मोटिव ये था गाइस, और ये जो व्लॉग है मैं अभी के अभी जो है अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। और मैं आपको बताना चाहूँ फिलहाल अभी जो 4 बज रहे हैं और आज ये जो क्लिप ऐड की जा रही है, मैंने आपको बताया था कि जो बिजली के पोल्स वगैरह और जितना भी ऊपर का काम वगैरह था वो सब कुछ हो गया है, बट दोस्तों अब जो है प्लस्तर का काम भी जो स्टार्ट हो गया और मेरे रूम में जो गाइस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। बट वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा कल वाले व्लॉग के अंदर, आज के व्लॉग में नहीं। फिलहाल जो बेसिकली सुल्तान ने हम उसको जो छोटी बोल रहे हैं, अभी वो जो है पानी पी रहा है। तो छोटू तबीयत खराब है आपकी, छोटू गाइस देखो ये ना बता रहा है किसकी तबीयत खराब है। छोटू क्या हुआ छोटू को, छोटू ठीक है अब गाइस, अब इसको कोई भी सुल्तान नहीं बोलेगा, इसका नेम छोटू है। छोटू अब ठीक हो आप, छोटू गाइस अब बिल्कुल ठीक है, कैसे हो बात तो करो छोटू, छोटू कैसे हो,
अभी बोलेगा ये, कैसे हो आप गाइज? अब मतलब सुबह शाम दवाई खाता रहता है और इंजेक्शन भी इसके लग रहे हैं, तो फिलहाल अब इसकी तबीयत ना बहुत अच्छी होती जा रही है, पहले से ठीक हो गया है और अपनी इस बास्केट के अंदर ही बैठा रहता है और एकदम आराम से। छोटू बताओ सबको, देखो बोलेगा छोटू। ओ क्या हुआ, एकदम मासूम सा है ना, भोला सा, क्या हुआ? छोटू इधर देखो, इधर देख छोटू, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ? की आवाज कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आप सब लोगों ने देखा, फिलहाल छोटू जो है बिल्कुल गाइस ठीक हो चुका है और यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ठीक। फिलहाल इस ब्लॉग में बस इतना ही यार, इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा था यार, अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर देना, ऑब्वियसली शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है गेमिंग रूम का काम कहां तक जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना? अब भाई वो बहुत ही ज्यादा आगे तक बढ़ चुका है काम जो है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। किस किस को बेसब्री से इंतजार है, कमेंट करके बताएं, तब तक के लिए बाय बाय।